हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये एनालाइज करेंगे कि इंडिया में किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए बेसिकली कितनी एक मिनिमम एज है। उसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इन केस अगर कोई एक माइनर है, यानी कि 18 साल से कम उम्र है किसी एक व्यक्ति की, तो उस केस में क्या बैंक उसको लोन दे सकती है। हर चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसके अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हम हर वीडियो को कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि मिनिमम एज क्या है, देखो अगर मान लीजिए ये एक बैंक है, इसमें अगर किसी भी एक व्यक्ति को अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है, तो वो कितनी एक मिनिमम एज होनी चाहिए बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए। देखो, अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन कराना है अपने बच्चों के लिए, तो वो मान लीजिए अगर एक दिन का है, एक दिन से लेकर के उसकी एज मान लीजिए 18 इयर्स तक है, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जो बच्चे की एज है वो 10 इयर्स से लेकर के 18 इयर्स तक है, ठीक है। अब दो तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है, होते दोनों ही माइनर के लिए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी। अगर मान लीजिए आप इस अकाउंट के साथ जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए बच्चा एक दिन का है, ठीक है, तो उसका भी आप बैंक में उसके नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या लगेगा, गार्जियन का होना बहुत जरूरी है, यानी पेरेंट्स हो गया या कोई भी जो उसका लीगल गार्जियन है उसका होना बहुत जरूरी है, यानी सारे के सारे सिग्नेचर और सब कुछ जो है गार्जियन के ही लगेंगे, ठीक है। तो उम्र कितनी होनी चाहिए, एक दिन से लेकर के 18 इयर्स तक, ठीक है। दूसरा केस आता है कि अगर मान लीजिए आप बच्चा 10 साल से बड़ा हो गया, ठीक है, 10 साल से लेकर 18 साल तक का है, ठीक है। जब आप 10 साल या 10 साल से बड़े बच्चे का अकाउंट ओपन कराने बैंक में जाएंगे, तो बैंक इस केस में आपसे पूछेगा कि बच्चे का अकाउंट इंडिविजुअल लेवल पे खोलना है या फिर गार्जियन के साथ खोलना है। यानी 10 साल से बड़ा बच्चा चाहे तो इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकता है, यानी उस केस में उसको गार्जियन की जरूरत नहीं है, वो अपना ही लेन देन सब कुछ अपने बिहाफ पे कर सकता है, या फिर 10 साल या 10 साल से बड़ा बच्चा अकाउंट गार्जियन के साथ भी खोल सकता है, ठीक है। तो यानी बिल्कुल अगर सिंपल शब्दों में समझें तो एक दिन से लेकर के 10 साल की उम्र तक का बच्चा, ठीक है, इस केस में तो गार्जियन का होना जरूरी है ही है। अगर बच्चा 10 साल या 10 साल से बड़ी उम्र का है, 10 साल से लेकर के 18-18 ईयर्स तक है, तो इस केस में जो गार्जियन है उसका होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि 18 साल तक की उम्र तक, ठीक है, चाहे गार्जियन हो या ना हो, एक लिमिट रखता है बैंक, विड्रॉल लिमिट, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आपका बच्चा 10 साल का है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मनमानी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। पर डे जो है उसको 2500 से लेकर के 5000 या फिर बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ये एक लिमिट रहेगी, यानी एक दिन में वो बच्चा 5000 से ज्यादा पैसा पर डे निकाल नहीं सकता, तो एक लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं कि वो मनमानी खर्चे कर रहा है, कि मान लीजिए किसी के फादर लैंडलॉर्ड है, उसके बच्चे का अकाउंट खोल दिया, बच्चे के अकाउंट में पैसे हमेशा रहते ही है फैमिली के, और बच्चा जो है मनमाना जो विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसा नहीं रहता। तो उसके अकाउंट में जो एक लिमिट सेट कर दी जाती है माइनर के अकाउंट में, मान लीजिए 5000 रुपीज तक सेट कर दी, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करती है लिमिट कितनी है, तो इस तरह से लिमिट रहती है। अगर मान लीजिए गार्जियन के साथ, यानी वन डे से लेकर के 10 इयर्स तक का कोई बच्चा है, तो इसमें मान लीजिए अगर 2500 रुपए पर डे की विड्रॉल लिमिट है, तो 10 साल से लेकर के 18 इयर्स तक का जो बच्चा होगा, उस केस में हम जो बैंक है वो 5000 रुपीज तक की विड्रॉल लिमिट रख लेता है, ठीक है। अब ये जो डाटा है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, बैंक अकाउंट तो आप ओपन कर सकते हो डिपॉजिट के लिए, सेविंग्स के लिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या माइनर, यानी 18 साल से जो छोटा बच्चा है, क्या वो लोन ले सकता है। आंसर क्या है, हाँ, और आंसर ये भी है कि ना। क्यों, देखो अगर मान लीजिए 18 इयर्स से कम उसकी उम्र है, ठीक है, और वो किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व है, मान लीजिए किसी एक बिजनेस में वो पार्टनर है, ठीक है। अब ये दो जो व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। जो सी है ये एक माइनर है, ठीक है। ए जो है उसकी उम्र है मान लीजिए 25 साल, बी है उसकी उम्र है 30 इयर्स, और जो माइनर है इसकी एज है 15 इयर्स, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के एक कंपनी चलाते हैं, एक बिजनेस रन करते हैं, और इन तीनों ने क्या किया, मिलकर एक लोन ले लिया, ठीक है। बैंक लोन तो दे देगा, लेकिन माइनर को भी दे देगा, ठीक है, कि माइनर एक जो है माइनर एक पार्टनर है, माइनर को भी दे देगा, लेकिन माइनर को लोन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए मिलेगा, ठीक है। इन केस अगर कल को इनकी कंपनी डूब जाती है या फिर ये पैसा रीपे नहीं कर पा रहे बैंक का, तो बैंक कभी भी सी से जवाबदारी नहीं मांगेगी, कभी भी सी को अप्रोच नहीं करेगा बैंक,
हमेशा पैसा किससे रिकवर करेगा, ए और बी से। तो माइनर को लोन मिल सकता है पार्टनरशिप के केस में या बिजनेस के केस में, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है अब तो ये पार्टनरशिप थी, लेकिन मान लीजिए कि एक 15 साल का बच्चा है वो अकेला ही अपना बिजनेस रन करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या बैंक इंडिविजुअल को लोन देगी? तो आंसर इज नो, कभी भी बैंक इंडिविजुअल को लोन नहीं देगी। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम एज क्या है बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए? तो मैक्सिमम कोई एज नहीं है बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर आप 100 प्लस इयर्स की भी आपकी एज है तो उस केस में भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।